हेलो, सलाम वालेकुम जी। और बिल्कुल सच बात है, खुद को बचा ले दोजख से ज़रूरी है जी। जन्नत और दोजख दोनों चीज़ों के दरमियान फ़र्क अमल का होता है। अमल अगर सच्चा हो तो यकीनन वो या सच्चा है या बेहतर हो तो वो हमें ले जाता है जानिब जन्नत, और अगर अमल सही ना हो तो फिर दोजख मुकद्दर बन सकती है, जैसे कि हमें सिखाया गया है। रेसिपी की जानिब चलते हैं। शेफ 21, दिस इज इकबाल शाह। एवरी सिंगल डे 4:45 से 5:30 बजे तक लाइव ऑन K21 न्यूज़। आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं आप सबके साथ, देखिए थ्रू आउट द मंथ एज वी ऑल नो कि हम शेयर करते रहे। इफ्तारी के लिए भी रोल भी बनाए हमने, चाट भी तैयार की, दही भल्ले भी तैयार किए, और फ्राइड चीज़ें भी तैयार की, यू नो काफ़ी चीज़ें बनाते रहे। फ्रूट्स की चीज़ें, रूह अफज़ा से रिलेटेड चीज़ें बनाई, गुड़ मिल्क से तैयार की हमने कुछ डिज़र्ट्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है अमेरिकन चॉप सुई, जो एक जायके की दुनिया में यू नो एक डिफरेंट सा सफ़र भी है, एट द सेम टाइम मज़ेदार है। एंड सबसे अहम बात कि काफ़ी दोस्तों ने इसकी रिक्वेस्ट फरमाइश भी की थी। साथ ही मौजूद है यहाँ पे मशरूब मशरक, रूह अफज़ा और कंज्यूमर्स का साथ है 110 सालों का। रूह अफज़ा और कंज्यूमर्स का साथ है 110 सालों का, और रूह अफज़ा 35 से ज़ायद ममालिक में पिया जाता है, पसंद किया जाता है। साथ ही रूह अफज़ा रिफ्रेशिंग है, एनर्जाइजिंग है, आपकी बॉडी को एनर्जी भी दे। तो ये एक और बहुत खूबसूरत या अच्छी बात है रूह अफज़ा के हवाले से, बल्कि हम सब के हवाले से, क्योंकि हम सब के लाइफ को ये बेहतर बनाता है। रेसिपी की जानिब चलते हैं। अमेरिकन चॉप सुई बना रहे हैं, जिसके लिए स्पेगेटी को हमने फ्राई करना है जी। कितना इंटरेस्टिंग है जी, फ्राई करना जी। तो पहले इसका मसाला तैयार करते हैं और ऑयल इसके अंदर एक गर्म करते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ इस पॉट पे देखिएगा, बल्कि यहाँ मुर्ग मौजूद है हमारे पास, देसी मुर्ग का इंतखाब कीजिएगा। देसी, ऐसा नहीं कि आपने देसी ले ली और नॉर्मल ले ली, उसमें फ़र्क नहीं, दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है। जब आप देसी मीट लेते हैं उसके जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। तो ये बोनलेस मीट है, इसे हम पहले काट लेते हैं इस तरह से, ठीक है जी। लंबाई में काट रहे हैं, जिस तरह फिंगर चिकन के लिए काटा जाता है उसी तरह से काट लेते हैं। ठीक है जी, और अच्छे से इसे ठंडा कीजिए फ्रिज में, ये क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि बात है आपकी सेहत की, बात है जान की, क्योंकि जान है तो जहान। इसका ताल्लुक इबादतों से भी है, इसका ताल्लुक रमज़ान के महीनों से भी, इसका ताल्लुक आपकी नमाज रोज़ों से भी है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी हो, ठीक है ना। आपकी सेहत के लिए अच्छा होना ये लाजमी है, ज़रूरी है, मस्ट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने मीट काट चुके हैं, और यहाँ पे इस पॉट के अंदर हम ऑयल तो ज़ाहिर है शामिल करना है, ये बहुत ज़्यादा नहीं, जिस तरह मंचूरियन बनता है चिकन मंचूरियन, तो मंचूरियन से काफ़ी ज़्यादा ये मिलता जुलता है इसका जो मसाला, लेकिन ये बिल्कुल चेंज हो जाता है जब आप इसके अंदर फ्राइड स्पेगेटी ऐड करते हैं या फ्राइड अंडा ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक आपको नए सफ़र पर ले जाता है, और लेकिन चटपटा मज़े का, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड करते हैं लहसुन अदरक पेस्ट, इसके साथ ही ये ऑयल हमने जो गरम किया है, 2 चम्मच ऑयल ऐड किया, इसे अच्छे से गरम होने दीजिए, अच्छे से इसे गरम होने दीजिए। उसके बाद इसमें हमने मीट ऐड करने हैं, मसाले, सब्जियां, सब कुछ वो चीज़ें ऐड करनी है जो इसके लिए ज़रूरी हैं, लाजमी हैं, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ ऑयल के अंदर लहसुन और अदरक की भुनाई का सिलसिला बिल्कुल है जारी। ज़ाहिर ये लहसुन अदरक के अंदर पानी की क्वांटिटी थी, तो पहले ये ड्राई होगा, खुश्क होगा, उसके बाद इसमें हमने बाकी दीगर चीज़ें शामिल करनी है।
साथ ही जो मुर्ग काट रहा है ये भी इसके अंदर ऐड करते हैं। और इसकी भी अच्छे से करनी है भुनाई, ठीक है जी। इस ये अमेरिकन चॉप सुई के लिए तीन अहम पार्ट हैं इसके, एक इसका मसाला बनेगा, दूसरा स्पेगेटी जो उबली हुई रखी है उसे हम फ्राई करेंगे, तीसरा आखिर में टॉप पे जो वो आ जाएगा फ्राइडे का आएगा, ठीक है ना, फ्राइडे सनी साइड अप वो टॉप पर आ जाएगा। तो इसकी अच्छे से भुनाई कीजिए। साथ ही सब्जियां भी काटनी है जी, वेजिटेबल, ठीक है जी। जब तक इसका प्रोसेस जारी है कुछ वेजिटेबल की जानिब चलते हैं। कैबेज है, शिमला मिर्च, हरी प्याज, ये सब कुछ ऐड करेंगे। केबेज बंद गोभी इस तरह काट लीजिए। ये बाकी कैबेज इसे भी इस तरह रखा। और इसी तरह से कर लीजिए। ये बाकी ये कैबेज इसे भी, शिमला मिर्च, कैप्सिकम अच्छे से वॉश कीजिए। वन ऑफ द बिग रीजन फूड पॉइजनिंग की सब्जियों का अच्छे से ना धोना। और यहां पे जैसे बुनाई का सिलसिला जारी है, अमेरिकन चॉप सुई कर रहे हैं तैयार। ऑयल के अंदर अदरक लहसुन शामिल किया, चिकन शामिल की, बुनाई का सिलसिला जारी है जी। इसके साथ ही शामिल करते हैं टमाटो केचप, लगभग 1 कप। शामिल करते हैं सफेद मिर्च, शामिल करते हैं सोया सॉस 2 चम्मच, ठीक है जी। प्रोसेस बिल्कुल है जारी। ऑयल में अदरक लहसुन चिकन ऐड किया, टमाटो केचप, सोया सॉस शामिल करने के बाद भुनाई का सिलसिला बिल्कुल जारी है जी, ठीक है जी। तो ये इसके हवाले से काफ़ी अहम चीज़ थी। साथ ही इसमें हमने स्पाइसेस तो ऐड करने हैं, लेकिन उससे पहले चिकन को पका लीजिए, उसके बाद इसमें हमने वो वेजिटेबल सब्जियां भी शामिल करनी है और उसे अच्छे से मिक्स करना है, कुक करना है। तो उसकी जाने भी चलते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि ये ऑयल हमारा गर्म हो, तो इसमें हमने इसका चूल्हा कम कीजिए। एक और पैन के अंदर ऑयल हमने रखा है गर्म होने के लिए। इस ऑयल के अंदर स्पेगेटी को फ्राई करना जी, बॉइल्ड स्पेगेटी को तब फ्राई करना जी। बॉइल्ड स्पेगेटी को फ्राई करना है, तल लेना है, ठीक है जी। फ्राई करना है, कलर लाना है जो ज़रूरी तो है, लेकिन साथ इसके अंदर बहुत मज़े का क्रिस्पी पन आएगा। बहुत से लोग मैंने देखा है रेस्टोरेंट्स होटल्स में भी वो इसमें फ्राई नहीं करते, वो आई थिंक वो सही तरीका नहीं है। यही है, इसको फ्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, अलग ही तरीका इसका टेक्सचर आपको फील होगा, ठीक है जी। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले शामिल करते हैं काली मिर्च, ठीक है जी, नमक हसबे जायका, साथ ही सफ़ेद मिर्च ये 1/2 चम्मच। नमक, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना जी, ताकि सब चीज़ों का जायका मीट के अंदर तक रचे, जो इंतहाई यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ऑयल, अदरक लहसुन, चिकन, टमाटो केचप, सोया सॉस, नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च शामिल करने के बाद इसकी करें अच्छे से भुनाई, ठीक है, ताकि इसका फ्लेवर भी रचे और टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होगा। और ऐड करते हैं कैबेज, बंद गोभी, शिमला मिर्च, और इसकी फिर से अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ इसका सिलसिला बिल्कुल जारी है जी। ऑयल, अदरक लहसुन, उसके बाद चिकन शामिल किया, बंद गोभी, शिमला मिर्च, और इसे अच्छे से कुक करना है। ऑन द अदर हैंड एक और यहाँ पे इसमें पॉट के अंदर हमारा फ्राई हो रहा है, ये स्पेगेटी, तो इसे भी कलर लाना है, फ्राई करना है, जो अपनी जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसे तलने दीजिए। ठीक है, ज़रा सा सोया सॉस और ऐड कर रहे हैं, हल्का सा केचप भी आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मज़ीद आप शामिल कर सकते हैं। इसकी ग्रेवी ज़रा मसाला बनाना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन इतना ज़रूर होगा कि जब इसके अंदर आप स्पेगेटी और ये सब चीज़ ऐड करें तो एक मज़े का इसका मसाला ज़रूर बने, ठीक है ना, जो काफ़ी ज़्यादा अहम और इसमें ज़रूरी भी है। ठीक है जी, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे स्पेगेटी हमारी, और ये फ्राई से फ्राई होने दीजिए। और बिल्कुल ब्राउन करना है इसे, क्रिस्पी करना है, ब्राउन करना है, क्रिस्पी करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो इसके ऊपर आखिर में हमें इसके ऊपर ये हमारी रेसिपी के ऊपर आ जाएगा जी, तो वो भी काफ़ी मज़े का भी है और इंटरेस्टिंग है जी। ठीक है जी, रमज़ान के रोज़े जारी हैं, जा रहे हैं, ईद के जाने बहुत कम दिन रह गए हैं, और यकीनन खुशनसीब हैं वो लोग जो रोज़े रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, तो उनकी अपनी जगह बहुत अहमियत है जी। ठीक है जी, ऑयल, अदरक लहसुन, सब्जियां, चिकन, ये सब कुछ ऐड किया, केचप, सोया सॉस और स्पाइसेस, यहाँ इसका सिलसिला जारी है, साथ ही ग्रीन अनियन, स्प्रिंग अनियन, इसका ये सा निकाला, इसका भी ये और इस तरह काट लीजिएगा। ठीक है जी, हरी प्याज काट रहे हैं। अमूमन ये जो ग्रीन अनियन होती है, हरी प्याज, इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया जाता, ज़्यादा नहीं पकाया जाता। ठीक है जी, तो इंतज़ार कीजिए, बल्कि ऐसा करते हैं कि ये चूल्हा हमें ज़रा ज़्यादा तेज़ चाहिए, और ये तेज़ है हमारा, ये तकरीबन आई थिंक जस्ट अबाउट टू रेडी, तो यहाँ पे जो हमारी स्पेगेटी फ्राई हो रही है उसे यहाँ ले आते हैं ताकि ये क्विकली फ्राई हो जाए और इस रेसिपी के बाकी प्रोसेस को हम भी जारी रख सकें जी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सिलसिला बिल्कुल जारी जी। कलर आने के बाद इसे हमने टर्न ओवर करना है, यानी कि पलटना है, टर्न ओवर करने के बाद इसे पलटना है, तो वो भी यकीन काफ़ी है। इसका चूल्हा बेशक कम रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा, ताकि ये क्योंकि चिकन भी पक चुका है, सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, उतना ही जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ इसका सिलसिला जारी जी। स्प्रिंग अनियन तैयार है, अंडा हमने फ्राई करने के बाद इसके टॉप पर बिल्कुल आखिर में ऐड करना है, ठीक है ना, ऑन द टॉप ऑफ हमारी रेसिपी के ऊपर ये अंडा ऐड करेंगे। कलर आने के बाद इसे टर्न ओवर करें ताकि दूसरी जानिब से भी ये अच्छे से ज़बरदस्त फ्राई हो जाए, कलर हो जाए, कलर आ जाए, ब्राउन हो जाए।
ठीक है दोस्तों, तो यार सिलसिला है बिल्कुल जारी, और अगर आप क्लोजली देखेंगे तो इसका मसाला जबरदस्त, भुनाई का सिलसिला जारी है, मीट सब्जियां और सॉसेस स्पाइसेस सब सभी कुछ शामिल कर चुके थे। ठीक है जी, तो यहाँ इसका प्रोसेस जारी है। ठीक है जी, बॉइल्ड स्पेगेटी हमारी हो रही फ्राई, मसाला तैयार है, बस इंतजार है इसका कलर आ जाए, फिर उसके बाद चलेंगे प्रेजेंटेशन की जानिब। बाकी दीगर चीज़ों को हम रिमूव करते हैं क्योंकि जिनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो सिंपली जी अमेरिकन चॉप्स भी बना रहे हैं, जिसके तीन जो ख़वातीन और मर्द हजरात जो रेसिपी रिकॉर्ड कर नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं या लिख रहे हैं, चिकन का मसाला बनाना है, ऑयल में अदरक लहसुन, चिकन ऐड किया, टमाटो केचप, सोया सॉस, नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च शामिल करने के बाद इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह मतलब पाकिस्तानी खानों की तरह नहीं करना, 5-6-7 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें हमने बंद गोभी, गाजर ऐड कर सकते हैं, हरी शिमला मिर्च शामिल की, भुनाई की, मसाला एक तरह से तैयार हो गया अब। ठीक है, एक और पॉट के अंदर जो स्पेगेटी हमारे पास उबली हुई रखी थी उसे कर रहे हैं फ्राई, क्रिस्पी करना। देखें आवाज़ तो आपको आ रही होगी लेकिन और ज़्यादा से क्रिस्पी करना है। टेक्निकल चीज़ ये है कि बॉयल स्पेगेटी आप खा सकते हैं और बहुत क्रिस्पी भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की होती, लेकिन होती है, लेकिन ये बीच का जो मरहला होता है, ये जो जिसमें ये येलोइश कलर है ना, लाल ना हल्की लाल हुई यानी कि ब्राउन हुई है ना, सिर्फ उबली हुई, बीज का जो प्रोसेस है ये स्पेगेटी वो है, इसे आप नहीं खा सकते, एक तरह से बहुत सख्त होती है। ठीक है ना, तो इसे क्रिस्पी करना है तो फिर जिस तरह पापड़ी और जो क्रिस्पी चीज़ें होती हैं वो उसका टेक्सचर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सी कैनेपीज इस तरह से बनती हैं, स्नैक्स इस तरह बनते हैं इटालियन खानों में, स्पेनिश फूड में इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैपनीज चाइनीज़ खानों में चीज़ें नज़र आती हैं आपको, मेडिटेरेनियन फूड में चीज़ें नज़र आती हैं, है ना, कैरिबियन खानों में चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है ना, बहुत सी इस तरह हॉलैंड की चीज़ें हैं खाने, उसमें भी इस तरह टाइप की चीज़ें हैं, तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है जी, तो देख लेंगे टाइम कितना, उस हिसाब से हम इसको फाइनलाइज करते हैं, बाकी चीज़ों को रिमूव, और ये हमारा अमेरिकन चॉप सुई को निकालते हैं, प्रेजेंटेशन की जानिब चलते हैं। दोस्तों इस प्लेटर में पहले तो ये चिकन का मसाला निकालेंगे, ठीक है जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे शागिर साहब के कैमरे की नज़र से प्लेटर के अंदर ही मसाला डाला, ठीक है, और डॉक्टर शाकिर का कहना है कि जो लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे तो वो बेवफाई कर रहे हैं अपने साथ, तो ज़रूरी ख्याल रखें। ठीक है जी, स्पेगेटी फ्राई करके निकाला, और इस तरह रखेंगे चिकन मसाले के ऊपर स्पेगेटी जो हमने फ्राई कर ली थी, तल ली थी। ठीक है जी, आखिर में इसी फ्राइंग पैन के अंदर जी एक अदद अंडा, सिर्फ एक बल्कि दोनों कर रहे हैं, फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं लेकिन वक्त नहीं है हमारे पास इतना। सॉल्ट ऊपर ऐड कर लीजिएगा, इसके अंदर ऐड नहीं किया। दोस्तों ये फ्राइड अंडा हमने इसके ऊपर ऐड कर लिया जी, बाकी चीज़ों को रिमूव क्योंकि रेसिपी हो चुकी है तैयार। आखिर में ऑन द टॉप
स्प्रिंग अनियन, हरी प्याज शामिल की। तो दोस्तों ये आपकी हमारी हम सब की पसंदीदा ये अमेरिकन चॉप से ही हो चुकी है तैयार। आज हमने डिफरेंट किया लेकिन अमूमन ये फ्राइड एग सनी साइड अप जो होता है जिसमें अंडे की जो जर्दी साबित होती है उस तरह भी रखा जाता है, लेकिन आज ज़रा अंडे को भी क्रिस्पी किया है। लेकिन प्रेजेंटेशन ज़रूर अलग दिखती हो लेकिन जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा और काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ठीक है जी, मशरूब मशरक रूह अफजा अफ्तार में बहुत ज़रूरी है जी। गुड मिल्क मौजूद है रूह अफजा जिसका और रूह अफजा और कंज्यूमर्स का साथ है 110 सालों का। क्या बात है जी, माशाल्लाह 35 से ज़ायद ममालिक में रूह अफजा पसंद की जाती है और रूह अफजा रिफ्रेशिंग है, एनर्जाइजिंग है। फिर कहूँगा रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी कहेंगे कि फूड में कबाब टिक्का बूटी बोटी खाने में सब कुछ हो लेकिन रूह अफजा ना हो तो कुछ कमी सी लगती है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज़िंदगी में हर आने वाले चैलेंज का मुकाबला करें बहादुरी के साथ। स्टे ब्लेस्ड, इकबाल को दीजिए इजाज़त हमारी टीम के साथ। खुदा हाफिज़।